प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, मैं नीरज द्विवेदी हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे का सभी को बेसब्री से इंतजार है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। हालांकि उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो बस 5 दिनों के भीतर सबको पता चल जाएगा, लेकिन परिणाम से पहले फलौदी सट्टा बाजार के ताजा अनुमान ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। फलौदी सट्टा बाजार के इस अनुमान से कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार ने इस बार सीएम फेस को लेकर भी बड़ा दावा किया है और बता दिया है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा। इससे पहले आपको यह बता दूं कि ये फलौदी सट्टा बाजार आखिर है क्या, क्यों सुर्खियों में है। फलौदी राजस्थान का एक जिला है जो देश भर के राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सट्टा लगाता है और कहा यह भी जाता है यहाँ का आकलन बिल्कुल सटीक होता है। इस कारण फलौदी का सट्टा बाजार देश और दुनिया में हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। राजस्थान के फलौदी के सट्टा बाजार ने नया दावा पेश किया है। फलौदी के सटोरियों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। एमपी में बीजेपी की 115 से लेकर 117 सीटें, वही कांग्रेस को 114 से लेकर 116 सीटें आ सकती है। सटोरियों ने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है, यानी कि इन दावों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने सीएम फेस को लेकर भी बड़ा दावा किया है। सटोरियों ने दावा किया है कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान ही बनने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सीएम फेस साफ नहीं किया है और पीएम मोदी के केंद्रित नेतृत्व में ही यह पूरा चुनाव लड़ा गया है, लेकिन सट्टा बाजार के ताजा अनुमान ने शायद सीएम शिवराज सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इससे पहले सट्टा बाजार के सटोरियों ने दावा किया था कि 85% चांस है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाए, वहीं कांग्रेस सरकार बनने का चांस 15% बताया। फलौदी सट्टा बाजार के इन दावों में कितनी सच्चाई है यह 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन ये सटोरी बीच में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, अब भाजपा को सरकार बनाने को बता रहे हैं। हालांकि इन सटोरियों के चुनाव परिणाम को लेकर अब तक जो दावे रहे हैं वो करीब करीब सटीक ही बैठे। अब देखना यह होगा कि एमपी को लेकर जिस तरह का दावा किया जा रहा है वो कितना सही और सटीक निकलता है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।